गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग जैसे अभी निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं 6:27। तो अभी हम लोग निकले हैं एक जगह के लिए, तो वहां अभी जाएंगे। अभी फिलहाल मैं बस स्टैंड में हूं, तो आपको चीज़ दिखाता हूं। इतनी सुंदर लग रही है ना वो चीज़, पीछे देखो सन और स्काई, माँ कसम। मतलब ये सुबह सुबह ऐसा देख के ना बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं बैठता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। एक बार वहाँ पहुँचता हूँ तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, अक्टूबर के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो अभी एक बार निकलते हैं, निकलने के बाद एक बार बस चलती है, फिर दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो पीछे इतनी भीड़ है, सामने बस है मेरी। बस देख के तो समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, यहाँ देख सकते हैं पंडाल कितना सुंदर बनाया था। अभी ये लोग खोल रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर हूँ एयर व्यू के पास। एयर व्यू से अब वॉकिंग पे ही हूँ, क्योंकि बैठा हुआ था बहुत देर से, तो बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी फिर वॉकिंग पे ही हूँ, अब वॉकिंग से जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। तो एक बार चलता हूँ, और एक चीज़ दो चीज़ और शेयर करनी है साथ में जो रास्ते में हुई है, तो एक बार वो भी बताता हूँ। पहले एक बार चल लेते हैं उसी साइड। तो अभी देखिए एयर व्यू, अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं होटल। होटल पहुँच के अभी मेरा सामने वहाँ पर रूम है, तो रूम अभी मैंने चेक इन कर लिया है। चेक इन करके फिलहाल अभी थोड़ा बाल वाल सेट करता हूँ, थोड़ा बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं करते हो शेयर भी किया करो। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर वेदर बहुत सही हो रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, एक कॉल आने की वजह से ब्लॉग को वहीं पर रोकना पड़ गया था मेरे को, तो शूट नहीं कर पाया मैं। शूट करने के बाद अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं होटल का। आप लाइन देखोगे तो यहाँ से देखो लंबी लाइन है, और एरिया में अगर दिखाऊँ आपको तो बहुत मस्त एरिया है यहाँ से। होटल का नाम तो मैं बाद में बताऊँगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे देख लेना, वहाँ पे दिख जाएगा। यही एरिया है, बहुत मस्त ब्यूटीफुल एरिया। तो अभी हम लोग बाहर निकलते हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो उस टाइम एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा आके मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और जिस टाइम मैं निकलने वाला था एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ पे बारिश शुरू हो गया, बारिश शुरू होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आपका जायका साइड बिरयानी खाने के लिए। तो अभी बिरयानी खाते हैं उस साइड में ही, थोड़ा सा यहाँ से मेरे होटल से अराउंड वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 मिनट जैसा। तो वहाँ पहुँचता हूँ। अभी देखिए आप, रात को अराउंड 10:30 हो रहे हैं। सिलीगुड़ी का जो उस टाइम का नाइट लाइफ था लॉकडाउन से पहले, वो बहुत सही था। अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा खाली हो गया है। उस टाइम पे रात को 10 बजे 11 बजे तक तो समझ में ही नहीं आता था कि रात भी हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, देखिए एक बार। तो अभी जा रहे हैं जायका। जायका इज़ लाइक यहाँ का बहुत फेमस बिरयानी चेन है, जहाँ पे बिरयानी वगैरह मिलता है। अभी यहाँ पे एक रैली निकलने वाला है मुस्लिम्स का, तो उसी के लिए पूरा सिक्योरिटी है, जो आपने पुलिस वगैरह देखा होगा, ये सारा चीज़ उसी के लिए है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, मेरे से थोड़ा सा ही आगे वाओमोमो है, वाओमोमो का चेन ये यहाँ पर, और यहीं से फिर जायका भी जाना है। अब देखते हैं, तो एक बार जायका पहुँचता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जायका इंटीरियर वगैरह कैसा है, ठीक है। मैं आया, आने के बाद उस टाइम फिर मैं सो गया, सो के मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कितने देर सोया, मैं कब उठा, ये सारा चीज़ कोई आइडिया ही नहीं है। मैं अराउंड 5:30 बजे के आसपास सोया था, और मैं अभी जाके उठा हूँ, और तब से मैं सो ही रहा था
सोते सोते पता ही नहीं चला, फिर लास्ट में कुछ लोगों ने मेरे को कॉल किया तब जाके मेरा नींद खुला, मेरी बहन ने मुझे कॉल किया तब जाके मेरा नींद खुला है। तो अब मैंने भूख लगी तो भूख लगने के लिए मैं फिर निकल गया खाने के लिए कुछ। हेलो गाइस, तो अभी जायका से निकल के हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। कसम से जितनी हाइप जायका की बनाई है ना, मतलब बहुत टेस्टी वाला हिसाब किताब जो उसका है वो असली तो उतना टेस्टी है नहीं भाई। अगर तुम 200-250 रुपए किसी बिरयानी के लिए दे रहे हो तो वो 200-250 के वर्थ भी होनी चाहिए। जायका की वर्थ मुझे इतनी सही लगी नहीं कि वो 200-250 की बिरयानी है। 210 रुपए मटन बिरयानी थी उसकी, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि वो 210 रुपए की मटन बिरयानी है। बाकी जिसका तो बिक रहा है, जिसको पसंद आ रहा है आ रहा है, हो सकता है मेरा टेस्ट अलग हो, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। और आज ना यहाँ पे शायद कल नबी करके कुछ है, मुस्लिम्स का फेस्टिवल है जो कि मतलब पूरा उसी के लिए सिक्योरिटी है। ये खाई वाली जो देख रहे हो आप, ये सब उसी के लिए करवाया गया है। तो अब देखते हैं, कल मुझे यहाँ से निकलना है तो अभी ट्रैफिक का हाल देखते हैं क्या होता है, कैसे ट्रैफिक है, क्या है नहीं है। कल एक दो काम है मुझे, उसके बाद अराउंड 12 बजे तक हम भी यहाँ से निकल लेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय, राम राम।